प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ई पाठशाला में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। सेव और सेव एज के बीच में क्या अंतर है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमने 9th क्लास में भी किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको 10th क्लास में इनको समझने के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो द सेव ऑप्शन विल सेव अ फाइल फर्स्ट टाइम। ठीक है, सेव ऑप्शन जो होता है वो फाइल को सेव करेगा पहली बार, फर्स्ट टाइम। ठीक है, विद न्यू नेम, एक नए नाम के साथ। बट परंतु सेव एज ऑप्शन विल सेव अ फाइल विद सेम और डिफरेंट नेम्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। परंतु सेव एज ऑप्शन जो होता है वो विल सेव अ फाइल, एक फाइल को सेव करेगा विद सेम, सेम नाम के साथ भी, लेकिन कैसे, और डिफरेंट नेम, और अलग नाम के साथ भी, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, और अलग अलग जगह पे भी। ठीक है, सेव एज होता है वो एक फाइल को एक नाम से पहली बार सेव करता है, लेकिन सेव एज ऑप्शन जो है उसी फाइल को नए नाम के साथ, लेकिन किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन पे, किसी दूसरे फोल्डर के अंदर, यानी कि ऑन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे सेव करता है। ठीक है, अब देखो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, सेव को, है ना, सेव और सेव है, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब एमएस वर्ड ओपन करते हैं यहाँ से। एमएस वर्ड कैसे ओपन करना है वो आपको पता है, यहाँ से भी रन कर सकते हैं, डेस्कटॉप से भी रन कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस न्यू से नया पेज ओपन होगा, ऐसे यहाँ से ओपन कर लो, है ना, कंट्रोल प्लस न्यू, न्यू पेज के लिए ये आ गया नया पेज। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ एक लाइंस, कुछ एक मटेरियल्स यहाँ पे टाइप कर लेते हैं ना, दिस इज सेव एंड सेव एज डेमो। ठीक है, अब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, फाइल पे क्लिक किया और शॉर्टकट की आपको पता ही है, देखो ये यहाँ पे है सेव और सेव एज। ठीक है, सेव, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम सेव कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ये डायलॉग बॉक्स ऐसे ही आएगा, सेकंड टाइम जैसे सेव करेंगे तो वैसे ही आता है। ठीक है, जब हम सेव करते हैं तो देखो मैं इस फाइल को इस ड्राइव के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ मैं डेमो नाम से, देखो एफ ड्राइव के अंदर मैं डेमो नाम का फोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये ओपन हो गया, एफ ड्राइव के अंदर डेमो नाम का फोल्डर, और फाइल का नाम रख देते हैं सेव। ठीक है, सेव एज, जब सेव एज होगा ना, सेव या फाइल वन रख देते हैं इसका नाम, फाइल नाम, फाइल वन। ठीक है, डेमो के अंदर, और ये सेव, यानी कि हमने सेव से फाइल को सेव किया फर्स्ट टाइम विद न्यू नेम, एक नए नाम के साथ। ठीक है, अब जब जब दोबारा हम सेव करेंगे तो ये उसी जगह पे सेव होती रहेगी फाइल, ये देखो लोकेशन थोड़ा बदलेगी फाइल की, उसी जगह पे सेव करता रहेगा, या कंट्रोल एस दबाओ चाहे। ठीक है, मान लो इसी फाइल को किसी दूसरी जगह पे, या तो सेम नाम के साथ या फिर किसी दूसरे नाम के साथ सेव करना है, तो हम यूज करते हैं फिर सेव एज। ये देखो सेव एज, इसी फाइल को, पहले फाइल वन था ना, ये देखो सेम नाम से भी इसको किसी दूसरी जगह पे, एफ ड्राइव में पहले डेमो के अंदर था ना ये, अब इसको हम ई ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं, यानी कि लोकेशन बदल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और फोल्डर बना दिया हमने, न्यू फाइल फोल्डर, या इसे यहाँ पे किसी का नाम लिख दो सोनू। ठीक है, ये फोल्डर बनाया, इसको ओपन किया, और फाइल का नाम चाहे सेम रहने दो, यानी कि सेम नाम के साथ साथ भी, या फिर नए नाम के साथ भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया चाहे सेव एज डेमो, और ये सेव। ठीक है, यानी कि इस फाइल को हमने अब क्या किया, किसी दूसरे नाम से भी और किसी सेम नाम से भी अलग अलग जगह पे सेव कर सकते हैं, अलग अलग फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सेव और सेव एज, जो कि आपको 9th में भी क्लियर करवाई थी, और 10th में भी आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गई है।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट कमांड्स। अब ये तो आपको पता ही है ना, कॉपी पेस्ट क्या होता है, कट पेस्ट क्या होता है। कॉपी पेस्ट से एक नई कॉपी बनती है और कट पेस्ट से जो भी चीज है वो मूव हो जाती है। ठीक है, द कॉपी कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू कॉपी ऑफ टेक्स्ट और फाइल और फोल्डर। यहाँ पे और भी लिख लेना बीच में, ठीक है, टेक्स्ट और फाइल और फोल्डर, ठीक है, दोनों का, ये तो जो भी चीज है ना, चाहे टेक्स्ट हो चाहे फाइल हो चाहे फोल्डर हो, ठीक है। द कॉपी कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू कॉपी ऑफ टेक्स्ट और फाइल और फोल्डर ऑन अदर लोकेशन, ठीक है। पर द कट इज यूज टू मूव टेक्स्ट और फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर, ठीक है। कॉपी कमांड क्या करती है, एक नई कॉपी क्रिएट करती है, यानी कि उस जगह पे भी रहेगी और दूसरी जगह पे भी वो कॉपी बन जाएगी, जबकि कट से क्या होगा, मूव हो जाएगी, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे वो फाइल है चाहे वो फोल्डर है। तो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ यहाँ पे करके, ठीक है। जैसे मान लो ये लाइन लिखी हुई है हमने, ठीक है, अब ये मैंने सिलेक्ट की, राइट क्लिक किया, मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। अब मान लो ये लाइन हमें यहाँ पे भी चाहिए, नीचे भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और ये पेस्ट के लिए ऑप्शन है, ठीक है, ये पेस्ट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, यानी कि द कॉपी कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू कॉपी ऑफ टेक्स्ट, आगे मैंने लिखा था, और फाइल और फोल्डर, सेम यही चीज जो होती है वो फाइल और फोल्डर पे भी अप्लाई होती है। जैसे ये है मान लो, ठीक है, जैसे ये है ना, मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, और किसी ड्राइव के अंदर चला गया मैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे चला गया मैं एफ ड्राइव के अंदर, और इसको यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। जैसे पेस्ट किया, ये देखो ये एप्लीकेशन यहाँ पे भी है और ये डेस्कटॉप पे भी है, यानी कि इसकी कॉपी दोनों जगह पे बन गई फाइल की। सेम वही केस फोल्डर के केस में भी, ठीक है, यहाँ पे भी रहेगी वहाँ पे भी बन जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कट कमांड की, लेकिन अगर हम इसको कट करें ना कॉपी की जगह तो क्या होगा, कट, ठीक है, अब किसी और जगह पे चलते हैं, जैसे ई ड्राइव है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको पेस्ट, ये देखो यहाँ पे आ गई, लेकिन यहाँ से उठ गई, यानी कि इसका मतलब कि मूव हो गई, कट हो गई यहाँ से और वहां पे पेस्ट। तो ये है कट और पेस्ट कमांड, समझ आ गया। कॉपी कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू कॉपी ऑफ टेक्स्ट और फाइल और फोल्डर, और बट द कट कमांड इज यूज टू मूव टेक्स्ट और फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पेज की सेटिंग की, डिफाइन पेज सेटिंग, पेज की सेटिंग कैसे करते हैं। पेज सेटिंग मींस बिफोर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट वी कैन सेट इट्स मार्जिंस, ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट, मार्जिंस ऑफ हेडर एंड फुटर, ठीक है। पेज सेटिंग का मतलब है कि हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले, बिफोर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले वी कैन सेट इट्स मार्जिन, हम उसका मार्जिन यानी कि उसका हाशिया, मार्जिन को हिंदी में बोलते हैं हाशिया, उसका हाशिया सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट, ओरिएंटेशन कैसे रखनी है, यानी कि स्थिति कैसे रखनी है पेज की या टेक्स्ट की, खड़ी अवस्था में रखना पेज की, पड़ी अवस्था में रखना है, ठीक है। मार्जिन्स ऑफ हेडर एंड फुटर, और हेडर और फुटर का हाशिया भी कैसे सेट करना, ये सारी चीज़ें हम पेज सेटिंग में करते हैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले। टू सेट पेज मार्जिन दी स्टेप्स आर, पेज मार्जिन को स्टेप को सेट करने के लिए जो स्टेप्स हैं, क्लिक ऑन पेज टैब, पेज लेआउट टैब, हमने कहाँ पे जाना है, पेज लेआउट टैब पे जाना है, ठीक है। उसके बाद नाउ क्लिक ऑन मार्जिन्स ऑप्शन एंड सेलेक्ट कस्टम मार्जिन ऑप्शन, उसके बाद क्या करेंगे हम कि नाउ क्लिक ऑन मार्जिन ऑप्शन, वहाँ पे एक मार्जिन ऑप्शन है, उसके ऊपर कस्टम मार्जिन ऑप्शन है, फिर वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हेयर वी कैन चेंज द लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ पेज, ओरिएंटेशन ऑफ द पेज सच एज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अब इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ मैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, पेज लेआउट टैब में जाएंगे, फिर उसके बाद क्लिक ऑन मार्जिन ऑप्शन, मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट कस्टम मार्जिन ऑप्शन, और उसके बाद आएगी कस्टम मार्जिन ऑप्शन, वहाँ पे हम पेज की लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट कर सकते हो, पेज की स्थिति भी। चलो देखते हैं प्रैक्टिकली करके इसको, ठीक है, जैसे ये है ना हमारे पास, इसको बोलते हैं मार्जिन, ये जो बच रहा है ना इसको मार्जिन बोलते हैं, हाशिया बोलते हैं, जैसे पेज में लगाते हैं हाशिया, ये टॉप की तरफ भी होता है और ये बॉटम की तरफ भी होता है, ये देखो नीचे की तरफ भी है, ये देखो ये हाशिया,
जहां पे सेट कर देंगे ये पॉइंट वहां से लिखना शुरू करता है। ये देखो इसके बिल्कुल ठीक नीचे यहाँ से लिखना शुरू कर रहा है और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे लिखना शुरू कर रहा है। अब बात करें इसकी सेटिंग की, सेटिंग का जो मेन हम यूज करते हैं ना शॉर्टकट, वो तो यहाँ से हो जाती है। देखो पकड़ के भी इनको खींच के हम इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जो आपको क्वेश्चन आएगा तो वहां पे ऐसे बताएगा कि पेज लेआउट में जाना, उसके बाद यहाँ पे ये देखो मार्जिन ऑप्शन है, मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करना और उसके बाद कस्टम मार्जिन ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे हम पेज की जो टॉप है, ये जो टॉप वाला मार्जिन है ठीक है, ये लेफ्ट और राइट वाला मार्जिन है, इन सबको हम सेट कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन ऑप्शन ठीक है, ये देखो पेज का जो टॉप है वो कितना रखना है, अभी 0.56 है तो यहाँ से हम उसको और कम कर सकते हैं इस तरह से। ये देखो नीचे जो है प्रीव्यू दिखा रहा है पेज का, यहाँ पे देखते रहना अपने साथ साथ में ठीक है। जैसे मैं कम करूँगा तो ये देखो नीचे को जा रहा है, मतलब जो अक्षर है वो यहाँ से लिखना शुरू होंगे। फिर ये टॉप में से है, ये लेफ्ट में से है, ये लेफ्ट साइड से करेगा सेट, ये लेफ्ट ठीक है, ये देखो कर रहा है ना लेफ्ट से, और ये राइट से करेगा। ये देखो पेज इनकी बिल्कुल बीच में गया राइट, और ये टॉप में से है और ये बॉटम वाला हिस्सा है, ये इसको टॉप बोलते हैं ना, टॉप वाला यहाँ से सेट हुआ था और ये बॉटम, बॉटम वाला नीचे से सेट करेगा यहाँ से। ये देखो ऊपर करना है तो ऊपर से यहाँ तक ले गए ठीक है। बाकी कटर बना हुआ, कटर पोजीशन है इसमें है नहीं आपके इसमें, तो इसको रहने दो ठीक है। फिर क्या कर देंगे यहाँ तो, ओके कर देंगे, ये है पेज की सेटिंग ओके। अब जैसे कि ये देखो एकदम सारा का सारा वैसे सेट हो गया, लेकिन इस चीज को हम इसकी यहाँ जाने की बजाय हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से जल्दी हो जाता है फटाफट, ये क्लिक किया यहाँ से और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से इस तरह से खास ये सारे के सारे यहाँ से क्लिक करके हमें सेट कर दिए। यहाँ से पॉइंटर लिखना शुरू करेगा और नीचे से सेम वैसे ही बॉर्डर भी, ये ठीक है। तो ये था पेज की सेटिंग और यहाँ पे ओरिएंटेशन भी रहता है इसका, ये पोर्ट्रेट है ना और ये लैंडस्केप, यानी कि पेज कैसा हो गया, ये बड़ी अवस्था में हो गया ठीक है, फ्लैट हो गया। ये ओरिएंटेशन है यानी कि स्थिति कैसे रखनी, पेज ऐसे रखना है कि ऐसे रखना है पेज ठीक है, ऐसे खड़ी अवस्था में। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है पेज के साइज के बारे में। टू सेट पेज साइज दी स्टेप्स आर, पेज का अगर साइज सेट करना हो ना, पेज भी अलग अलग साइज के होते हैं, देखा है ना अखबार के पेज का साइज कितना बड़ा होता है और किताब का जो पेज का साइज होता है वो कितना छोटा होता है, यानी कि इन पेजेस के नाम होते हैं A3 A4 होते हैं A5 होता है A6 होता है A1 होता है ठीक है। अब इसको सेट करने के लिए क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, ये भी पेज लेआउट टैब के अंदर ही है। नाउ क्लिक ऑन साइज, वहाँ पे हम साइज पे क्लिक करेंगे। हियर वी कैन सेलेक्ट द मोर पेपर साइजेस एंड कैन ऑल्सो सेलेक्ट द प्री डिफाइंड साइजेस सच एज A3 A4 A5 एटसेट्रा ठीक है। पेज लेआउट के अंदर यही साइज वाली ऑप्शन भी, ये देखो ये पेज लेआउट, यहाँ पे ये देखो मार्जिन है, ये ओरिएंटेशन है और ये साइज है। ये देखो इसके अंदर है A3 A4, हम जो स्कूल में यूज करते हैं वो A4 वाला या लेटर यूज करते हैं ठीक है। बाकी साइजेस जो हैं वो अलग अलग पेपर के हिसाब से प्रिंटिंग के लिए होते हैं ठीक है। हम लेटर और A4 यूज करते हैं और ऑफिशियल पर्पज के लिए इन्हीं साइजेस को हम यूज करते हैं। यहाँ से हम पेज का साइज सेट कर सकते हैं। और लास्ट में टू सेट पेज ओरिएंटेशन द स्टेप्स आर, अब पेज की जो ओरिएंटेशन है वो स्थिति जो है पेज की वो सेट करनी हो तो क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, ये भी पेज लेआउट टैब के अंदर ही है। नाउ क्लिक ऑन ओरिएंटेशन एंड सेलेक्ट पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, अब ये जो पेज लेआउट है आपका इसके अंदर ही ओरिएंटेशन है, ये जो मैंने पहले आपको बता दिया ये पेज की स्थिति पोर्ट्रेट रखनी है, लैंडस्केप रखनी है, ये पेज लेआउट के अंदर ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं, मार्जिन्स भी, ओरिएंटेशन भी और साइज भी ठीक है। तो आज के लिए हमारे ये तीन ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं, कल फिर हम नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद जय हिमाचल।